हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का आज मैंने बोल रखा था कि ये सी वर्मा करवाऊंगा, तो थोड़ा स्पीड में करवाऊंगा, आप लोग देखते चलना, और बुक तो होगा ही तो क्वेश्चन पढ़ लेना। तो 40 में आप लोगों का बोल रहा है कि 40 में आप लोगों का बोल रहा है कि एक ऐसा ये रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन जो कि लिफ्ट के अंदर में है, जो कि एंगल यहाँ पे थीटा और यहाँ पे एक मास एम रखा हुआ है, और ये एक्सीलरेशन ए से जा रहा है। और यहाँ पे तो हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग डायरेक्ट इसका कुछ पूछा गया चाहिए, फाइंड द टाइम टेकन नहीं, किप्ट इन साइड एन एलिवेटर गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, उसके बाद बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन। टॉप ऑफ द इंक्लाइन मान लो टॉप ऑफ द इंक्लाइन, वहाँ से हम लोग छोड़ दिए, और वहाँ से छोड़ देने के बाद क्या कहाँ तक आया है, इंक्लाइन प्लेन से टॉप से हम लोग छोड़ दिए, तो पहले तो नीचे एम जी लगेगा। और जहाँ हम लोग ऐसा कंपोनेंट हम लोग पढ़े थे कि ऐसे नहीं एम जी लगेगा, तो ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एम जी साइन थीटा होगी और इधर एम जी कॉस थीटा हो जाता है, और इधर आप लोगों का नॉर्मल फोर्सेन होता होगा। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे कैची लगा दिया, यहाँ पे एम जी साइन थीटा लगा दिया, ठीक है। और हम लोग लेके चलते हैं कि रेस्ट पे, ठीक ना। पहला कंडीशन हम लोगों का ये जो मास है वो रेस्ट पे रखिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मतलब ठीक ना, उसके बाद हम लोग क्या चीज लिखेंगे, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, और यहाँ से हम लोग एम एम कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा आ जाएगा। एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, कोई टेंशन फोर्स नहीं लग रहा, तो वहाँ से हम लोग एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए लिख लिए, और इक्वल टू जी साइन थीटा, और हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, हाफ ए टू स्क्वायर इक्वल टू एल लिख सकते हैं। हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एल कैसे आ गया, अब आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये नॉर्मल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दुआ है ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड एंगल थीटा एंड लेंथ एल किप्ट इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये लेंथ एल जो आप लोगों का स्लाइड करेगा, तो यहाँ से हम हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एल लिख सकते हैं। ये होता है काइनेमेटिक्स में, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एच करके ऐसा पढ़े होंगे। अच्छा, यहाँ पे जी होगा, ठीक ना, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू एच, तो यहाँ से हम लोग टी इक्वल टू क्या चाहिए, रूट अंडर टू एल बाई ए लिख सकते हैं। और उसके बाद एल का वैल्यू हम लोग पुट, ए का वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, तो आ जाएगा रूट अंडर टू एल बाई जी साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन हो गया 40 नंबर। अपन आते हैं 42 में। 42 बोलता है कि अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट, द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द इतना। देखिए इसका अगर डायग्राम बनाओ तो मैं इसका डायग्राम, अच्छा डायग्राम यहाँ पे गिवेन हुआ है, यहाँ पे नहीं, ये इसका 40 नंबर का है। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है, उस एलिवेटर के फ्लोर में रख दिया गया है, एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर के फ्लोर में रख दिया गया, और बोला जा रहा है कि एलिवेटर रेस्ट पे है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो हमको कोई एम जी और टेंशन टी में जाना नहीं, हम लोग को नॉर्मल से ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू एस, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, हाफ जी इक्वल टू टेन, टी का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 0.2 सेकंड, तो 0.2 इंटू 0.2 0.1, 10 इंटू 0.2 आ जाएगा 2, और 2 मीटर पर सेकंड, 0.1 ये हटा है, सॉरी 0.2 आएगा, 0.2 आ गया, और इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ये मीटर में है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो 42 भी बन गया, क्लियर है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आपके सामने बना रहा हूँ जो भी बना रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया 30। तो 30 पे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कुछ नहीं बोल रहा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये वाला कुछ बोल रहा है कि कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स ऑन इन द फिगर, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग बस देखते चलिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे हो गया, और यहाँ से पुली कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे मास एक एम हो गया, तो ये एम जी हो गया, ये बॉडी ए मान लीजिए, ये बॉडी बी मान लीजिए, तो अगर इसका टेंशन टी लगेगा ऊपर में, तो इसका टेंशन टी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन टेंशन सेम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसका दिया है 1 kg मास, तो ये हो गया एम जी, मैंने लगा दिया नीचे की ओर, और एक्सेलरेशन इसका क्या चीज हो जाएगा, डाउनवर्ड हो गया। तो इस इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी माइनस
टी इक्वल टू एम एन लिख सकता हूँ, मैं एकदम इजीली लिख सकता हूँ। और यहाँ से मेरा एम का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, तो जी माइनस टी इक्वल टू ए लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा आप लोगों का टी लग रहा है और ये 1 kg का, तो यहाँ तो डायरेक्ट टी इक्वल टू आ जाएगा एम ए, और यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सीलरेशन होगा तो टी इक्वल टू एम ए आ जाएगा। और यहाँ पे टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम 1 kg, तो टी इक्वल टू है। पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन, तो जी माइनस ए इक्वल टू ए, जी इक्वल टू 2a, ए इक्वल टू जी बाई 2, पुट दिस वैल्यू ऑफ जी 10 डिवाइडेड बाई 2 5 m/s² क्लियर है। जानबूझ करके मैं थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ और कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। 28 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 28 पे आते हैं हम लोग। 28 से पहले हम लोग दूसरा देख लेते हैं जो जल्दी से बन जाए, ठीक ना। 28 हम लोग थोड़ा सा लेंथी होगा इसलिए हम लोग छोड़ते हैं। हाँ 33 देख लीजिए, तो 33 में मैं करवाता हूँ आप लोगों को। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोल रहा है फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन द फिगर विच यू विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुलीज आर लाइट। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, मैं आ जाता हूँ अपना कॉपी पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने दे दिया थीटा डैश, ये हो गया एम डैश और ये हो गया एम स्मॉल एम है। यहाँ से मैंने एक कनेक्शन मार दिया और यहाँ पे एक पुली लगा दी और यहाँ पे मैंने मास एम लगा दिया, इसका एक्सेलरेशन ए हो गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे क्या चीज करूँगा मैं कि पहले इसका लिख रहा हूँ, तो इसका देखिए यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का एम जी, यहाँ से आ जाएगा टी और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे हो गया एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए हो गया। यहाँ तक इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बहुत कुछ सिखा दिया। अब यहाँ पे अब समझिए कि अब हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए पहले तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन निकाल लिए तब सब चीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेंटर लगा हुआ है और इस सेंटर से हम लोगों का यहाँ पे हो गया एम ए सूडो फोर्स और कुछ नहीं, यहाँ पे हो गया हम लोगों का एम जी, ऐसा 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 कंपोनेंट जाएगा तो ये हो गया टीटा, तो ऐसा ऐसा एक और आ जाएगा तो ये हो जाएगा एम जी साइन टीटा और ये हो जाएगा एम ए कॉस टीटा। सिस्टम एट रेस्ट देन एम ए कॉस टीटा इक्वल टू हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं एम जी साइन टीटा, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा जी 10 टीटा। सिस्टम रेस्ट कंडीशन पर है तो एम ए इक्वल टू कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग इस सिस्टम पे बात करते हैं, तो इस सिस्टम पे देखिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों का कुछ ऐसा ये हो गया एम डैश और यहाँ पे हो गया एम स्मॉल एम और ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो टेंशन भी कुछ तो इस स्ट्रिंग के कारण कुछ टेंशन टी भी तो लग रहा है। टेंशन के बारे में मैंने पूरा लेक्चर ही ले लिया था एक, तो यहाँ पर टेंशन टी भी लग रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू एम डैश प्लस एम, दोनों कंबाइन कर दिए तो दोनों का एम डैश प्लस एम कर दिया इक्वल टू एम ए। टोटल मैं एम ही लिख रहा हूँ, एम इंटू ए, पर मास यहाँ कॉम्बिनेशन का एम प्लस एम इंटू ए हो जाएगा। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ से क्या चीज निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग पुट कर दीजिए टी का वैल्यू, यहाँ पे लेके आइए और टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टी का वैल्यू हम लोग जैसे ही पुट करेंगे तो एम जी माइनस एम डैश इंटू ए इक्वल टू माइनस एम ए आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा एम ए। अब एम जी माइनस एम ए इक्वल टू हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, एम डैश इंटू ए प्लस एम ए स्मॉल एम ए। अब यहाँ पे हम लोग एम कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया जी माइनस ए इक्वल टू एम डैश प्लस एम, एक्सेलरेशन कॉमन। एम इक्वल टू क्या चीज आ जाएगा, एम डैश प्लस एम डिवाइडेड बाई जी माइनस ए। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे जो है वो पुट कर दूंगा, ठीक है। ये पहले लिख दिया और यहाँ पे लाके हर जगह मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एम डैश प्लस एम जी 10 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं अगर g माइनस जी 10 थीटा लिख देता हूँ तो क्या मैं यहाँ से g कॉमन लेके 1 माइनस 10 थीटा सिर्फ लिख सकता हूँ। अजी g माइनस ए है, ए का वैल्यू मैंने g 10 थीटा पुट कर दिया, तो g 10 थीटा g g कॉमन एक g निकाल दिया, तो 1 माइनस 10 थीटा मैं लिख सकता हूँ, g से g कैंसिल आउट हो गया, आ गया यहाँ पे m डैश प्लस m इंटू 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 थीटा,
ये हो गया आप लोगों का आंसर। पर देखिए एसी वर्मा में ऐसा आंसर नहीं दिया होगा, पर आप लोगों का अगर नीट में अगर ऐसा पूछता तो आप लोगों को यही आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक ना, ज़्यादा इसके आगे नहीं ले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, टेन थीटा से, ठीक ना, इसे डिवाइड कर देंगे टेन थीटा से, तो आ जाएगा एम इक्वल टू एम डैश प्लस एम डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस वन, वन बाई टेन थीटा इक्वल टू क्या चीज आ जाएगा, वन बाई टेन टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बाई टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा आंसर, ये हो गया आंसर आप लोगों का। 33 नंबर हम लोगों का बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर। देखो 38 नंबर भी आसान क्वेश्चन है, 38 में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 38 नंबर में पहले मैं दो तरीका से लेके चलूंगा, पहले मैं सिस्टम को रेस्ट पे लूंगा, फिर दूसरा समय मैं सिस्टम को एक्सेलरेशन ऐसे मूव करवाऊंगा। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोगों का एक मंकी हो गया, तो यहाँ पे मंकी को मैंने ऐसा बना दिया, इसका ये हो गया दूसरा मंकी जो कि इसे पकड़ के लटका हुआ है। तो हम लोग इसे ए ले लेते हैं और इसे बी ले लेते हैं। तो पहले हम लोग बी का सिस्टम बनाते हैं, तो बी में हो जाएगा एम टू जी और यहाँ पे हम लोग ले लिए ऊपर में टी टू, और यहाँ पे हम लोगों का एम टू बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 × 10 = 20, 2 दिया हुआ है, मास इक्वल टू 2, मैंने 20 डायरेक्ट बोल दिया, ठीक ना। और तो यहाँ से हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, यहाँ से T2 = लिख सकते हैं 20 न्यूटन। उसी तरह यहाँ पे पहले रेस्ट कंडीशन पे लेकर बना रहा हूँ, उसी तरह यहाँ पे टोटल सिस्टम हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो इसका टेंशन T लगेगा और इसमें हम लोगों का इसके कारण इस पर हम लोगों का टेंशन T लगेगा, तो इस पर टेंशन T लग जाएगा। और एम जी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट दोनों कंबाइन कर दिया, एक तो टेंशन T लगेगा जो नीचे मंकी है उसके कारण ऊपर वाले के पास, और ऊपर वाला मैंने बोला था ना ये एक है और एक ये है, अगर ये पंच मारता है इसको तो ये भी इसे पंच मारेगा, क्लियर है। तो उसी तरह से ये मंकी वाला अगर ऊपर को टेंशन टी देता है तो इसके साथ में नीचे की ओर भी एक हम लोगों का टेंशन टी टू के नाम पे लगेगा, क्योंकि ये जो मंकी है वो टी टू के हिसाब से इसे मार रहा, तो टी टू तो एक नीचे भी देगा ही देगा। ये वाला जो है अगर टी टू से देता है तो ये भी टी टू एक रिवर्स तो करना चाहिए ना, वही टी टू मैंने ऊपर नीचे में लिख दिया। और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का एम ए जी, ये हो गया मैंने ए बॉडी का लिखा हुआ है, ये ए बॉडी का लिख दिया मैंने और यहाँ पे बी बॉडी का। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ए बॉडी का कैसे मैंने एक नीचे टी टू लिखा, बी वाला जब टी टू ऊपर देगा तो नीचे भी तो आएगा रिएक्शन के साथ में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से मैं इसे टी वन कर देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं टी वन इक्वल टू टी टू प्लस एम ए इन टू जी। तो ये हम लोग टी टू 20 हो गया और एम ए हो गया हम लोगों कितना हो गया, एम ए हम लोगों का एम दिया हुआ है 3, तो 3 × 30 = 50 दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है, 50 में बोल रहा हूँ, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 50 और 50 + 70 न्यूटन। तो ये हो गया हम लोगों का पहला जो कि हो गया मिनिमम, ये मिनिमम फोर्स चाहिए लटकने वाला। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए ना, क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे, मतलब आप लोगों को समझाने में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेंशन 30 न्यूटन तक टॉलरेट कर सकता है, और कितना फोर्स चाहिए अप्लाई करे कि मंकी आराम से इसे कैरी कर ले। तो पहले तो मिनिमम कम से कम इतना 70 न्यूटन का आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हम लोगों को क्या चीज़ करना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मान लो जैसे ये मैंने क्या चीज़ कर दिया, यहाँ पे ए पे कर दिया, टी वन लगा दिया, यहाँ पे टी टू लगा दिया, यहाँ पे एम जी लगा दिया, ए बॉडी कर दिया, और मान लो ये एक्सीलरेशन ऐसे मंकी बोल रहा है ना कि ऊपर चढ़ेगा तो कितना टेंशन उसमें मैक्सिमम अप्लाई होगा कि रोप टूटेगा नहीं, रोप जो है वो ब्रेक नहीं होगा, क्लियर है। उसी तरह मैंने बी का भी यहाँ पे ले लिया टी और टी टू कर दिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया एम टू जी, और तो इसे मैंने एक्सेलरेशन ये ले लिया, ये नीचे वाला भी तो ऊपर जा रहा है तो इसे एक्सेलरेशन ये ले लिया। पहला मैंने रेस्ट पे बनाया, अब एक्सेलरेशन ये देखे तो क्या दिक्कत है इसमें, नॉर्मल सा तो लिखना है यार, टी वन माइनस टी टू माइनस एम ए जी इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, एम ए। उसी तरह इसका अगर लिखो तो टी टू माइनस एम बी जी इक्वल टू एम बी ए,
अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का T1 T2 का वैल्यू और T1 T2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोगों का आंसर सामने होगा। कैसे सामने होगा, यहाँ से हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। T2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, T2 का वैल्यू हम लोगों ने 20 निकाला है, तो 20 हो गया माइनस ये हम लोगों कितना आ जाएगा, ये हम लोगों का T2 माइनस एम ये आ जाएगा 330, और यहाँ पे आ जाएगा एम बी कितना दिया हुआ है, एम बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये भी 2 दिया है, ये 20 और ये 30 है, ठीक ना, ये 20 और ये 30, तो यहाँ से आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 एक्सीलरेशन ए इक्वल टू 5 आ गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोगों के सामने एक्सीलरेशन। यहाँ देखिए, यहाँ टेंशन टॉलरेंट 30 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये मत बोलिए मैं अपने मन से सब चीज़ पुट किए जा रहा हूँ, नहीं। बी का मास दिया 2 kg, तो 2 × g करूँगा, और जी का वैल्यू 10 दिया हो तो 2 × 10 20, और 30 - 20 इक्वल टू 10, और इधर है हम लोगों का 2 है, तो ए इक्वल टू 10/2, तो 5 m/s² T1 का वैल्यू अब आप लोगों को निकालना है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ T2 इन दिस इक्वेशन एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन 5 पुट कर दीजिए और बाकी ये सारा इधर भेज दीजिए, तो आप लोगों का T1 -30 हो गया, T2 का वैल्यू -50 इक्वल टू आ गया 25, यहाँ से T1 इक्वल टू आराम से आ जाएगा, T1 -80 उधर चला जाएगा, तो +80 105 N, तो ये हो गया हम लोगों का मैक्सिमम टेंशन, और इधर हम लोगों ने निकाला था मिनिमम टेंशन, तो क्लियर है ये वाला हम लोगों का क्वेश्चन बन गया, कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है और बनाना है। तो देखिए एसी वर्मा में भी कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग ये वाला क्वेश्चन। 28 नंबर भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सटेंशन से आप लोगों को नीचे कर देना, और जब ये एक्स से जाएगा ये एक्स वन से जाएगा, मैं यहाँ कुछ बना दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसा पुली है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, उसके बाद देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ कुछ एक्स वन से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे मास एम वन आ गया, फिर ये एक पुली है, तो ये भी कुछ ऐसा पुली आ जाएगा, ये भी कुछ एक्स वन आ गया, तो टोटली x1 टोटली सिस्टम का 2x आ जाएगा, 2x1, और ये जब करेगा तो ये भी कुछ आ जाएगा, x2 से डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जब ये आएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, किस से, x3 से। तो यहाँ मैंने आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन बताया था कि कैसे एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो इतना हो रहा है, तो हम लोग इतना एजम्पशन ले सकते हैं 2a1 इक्वल टू a2 प्लस a3, क्लियर है, बस इतना एजम्पशन हम लोग लिया जा सकता है, कैसे आया आप लोग देख लिए, तो यही करना है, यही थोड़ा सा स्पेशल पार्ट है, जो कि मैंने एक लेक्चर में इसे अच्छा क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक का एक्सेलरेशन ये है, एक का ए बाई टू है, और कैसे बनाते हैं, तो इसमें ये कर लीजिए। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, तो अब कितना बार मैं बताऊँगा एक ही चीज़ को, कि इधर एम जी हो जाएगा, इधर टेंशन टी लगेगा तो 2T लगेगा, और इधर 2T लगेगा, तो नीचे mg ऊपर 2t और एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अब कैसे 2t माइनस कैची हो जाएगा यहाँ पे mg इक्वल टू ma, तो ये सब तो इजीली हम लोग लिखा जा सकता है। यहाँ पे टेंशन t3 लगेगा, यहाँ पे t2 लगेगा, तो t3 और नीचे mg और एक्सेलरेशन होगा नीचे, तो mg 3 × g माइनस t3 इक्वल टू m3 × a, इजीली लिख सकते हैं, लिखते चलिए और बनाते चलिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कैसे क्या करना है, तो ये हो गया एच सी वर्मा का, आप लोगों का जितना मुझे लगा करवा देना चाहिए, और नीट के लिए काफ़ी है, नीट वाले लोग इसका एग्जांपल बना लीजिए, वो भी कुछ कुछ, सब एग्जांपल मत बनाइए नीट वालों के लिए, अब एग्जामिनर इतना थोड़ी ना ये है कि आप लोगों को सीधे JEE एडवांस का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि भैया सॉल्व करो, नहीं वो उस तरह से नहीं है। तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ कितना क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, किस किस टाइप का, ये लास्ट है, इसके बाद आप लोगों शायद ना आए इसका वीडियो, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा वो डेट के साथ आएगा। एक आप लोगों का कुछ ऐसा रहेगा मास, ये M1 दे दिया, ये M2 दे दिया, इस पे हम लोगों का टेंशन पूछ सकता है, रिएक्शन यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा जा सकता है। अब इस पे एक और मास ब्लॉक चढ़ा दो या जो भी कर दो, ये एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1।
दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, T1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे T2, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग का मर्जी है, जो भी लीजिए। M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो T1 T2 यहाँ से T1 और T2 पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे M3 भी कर दे, यहाँ पे M3 भी कर दे, इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब मैंने पढ़ा रखा, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का हो जाता है, जो कि मैंने कुछ बताया था, कुछ ऐसा आ जाएगा और एक ऐसा आ गया, यहाँ पे F2 लगा दिया और यहाँ पे एक मास मास लगा दिया, और यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे F1 लगा दिया। अब यहाँ पे आप लोगों का टेंशन T = पूछा जा सकता है, इसमें टेंशन T लगेगा, इसमें लगेगा, तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करना है, और यहाँ से एक एंगल 30 डिग्री निकाल लेना है, इसके साथ ऐसे लिखना है, इसके साथ ऐसे लिखना है, क्लियर है। और ये लिख के सिंपली सा इसे भी बना देना है, तो ये भी मैं बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्या चीज़ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ये ब्लॉक है, इसे पुल किया जा रहा है, कुछ कुछ 100 न्यूटन से इसे पुल किया जा रहा है, ये हो गया 5 kg, इसका मास हो गया 5 kg। तो यहाँ पे हम लोग एक एंगल ले लेंगे 37 डिग्री, क्लियर है, 37 डिग्री ले लेंगे कि 37 डिग्री से पुल किया जा रहा है, वो खुद दे देगा। तो कुछ नहीं, F sin 37 डिग्री लगा लीजिए, और यहाँ पे F cos 37 डिग्री लगा लीजिए, F cos 37 डिग्री, और यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू F cos 37 डिग्री = 100 न्यूटन। आप लोगों का आंसर सामने होगा, 100 न्यूटन मीन्स M a m into a, वहाँ से आप लोगों का आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप का हो गया, और आप लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट फोर्स में और बताया था कि एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, ये भी मैंने बताया था, इधर से फोर्स लगा दीजिए, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन M2 M3 पूछा जा सकता है, M1 M2 पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन A पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिया, और पुली सिस्टम तो बहुत क्वेश्चन करवा दिया, तो पुली का कोई ये टेंशन नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेरा जाके टेस्ट बना लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब उसमें कुछ है, तभी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मास M रख दिया मैंने, आप लोगों को H वर्मा बना दिया डिना, तो ये दे दिया मैंने कुछ थीटा, इसे एक्सीलरेशन A से इधर मूव करा दिया, तो ये वाला स्लाइड करेगा, तो इसमें कुछ टाइम पूछ सकता है, कितना टाइम में ये नीचे आ जाएगा, या कितना डिस्टेंस तक ये स्लाइड करेगा, जो कि मैंने H वर्मा में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बनाया। तो कुछ नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाइएगा, एंगल ऐसे MG ले लीजिएगा, इस साइड में आप लोगों का साइन थीटा ले लीजिएगा, और किधर, हाँ इस साइड में कॉस थीटा ले लीजिएगा, नहीं नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा नीचे में कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और इस साइड में N, तो इस साइड कंपोनेंट बना लीजिएगा, पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, एक्स पूछता है तो एक्स के लिए लगाइए, टाइम पूछता है तो टाइम के लिए लगाइए, हाफ ए टी स्क्वायर वाला, और बना दीजिए, ये हो गया। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैंने आप लोगों को लिफ्ट से बनाया कि 7वां नंबर ऑफ क्वेश्चन एक लिफ्ट का बनता है, लिफ्ट वाला, लिफ्ट में रख के कुछ भी पूछा जा सकता है, पुली को लिफ्ट में रख दिया कुछ भी, तो मैंने ये पूरा कंडीशन बता दिया, अब नहीं बताऊंगा, टाइम जूट मुट गया, सिर्फ ये लगेगा, ठीक है। अब आप लोगों का, हाँ 8 नंबर स्प्रिंग का मैंने नहीं बताया, और स्प्रिंग का मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर कभी समय मिले तो, नीट में इसे ज़्यादा नहीं आएगा, भरोसा रखिए, और इसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो गया, यहाँ पे एक स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे पुली हो गया, यहाँ पे एक मास हो गया, यहाँ पे एक मास हो गया, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एक्सटेंशन इन स्प्रिंग X = बता दो भैया, या हम लोगों को बोला जा सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर हम लोगों को ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे हम लोगों का ऐसा दे दिया, यहाँ से स्प्रिंग लगा दिया और ये आ गया, और ये 5 kg मास मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, ये हो गया हम लोगों का L0। और यहाँ पे हम लोगों का कंप्रेशन, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ कंप्रेशन क्या चीज़ होगा, इसे हम लोग नीचे की ओर आएगा ना, ये जो 5 kg वो नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो कुछ तो कंप्रेशन होगा, तो इनिशियल लेंथ L है तो कुछ एक्स लेंथ हो जाएगा, तो एक्स लेंथ का कंप्रेशन बता दीजिए, एंगल 37 डिग्री या थीटा कुछ भी दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जो भी है, और आप लोगों का स्प्रिंग पे कैसा बनता है कि ये हो गया आप लोगों का ब्लॉक, इस ब्लॉक में क्या चीज हो गया, ऐसा आ गया, यहाँ पे मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे स्प्रिंग लग गया, और यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक हो गया, और मैंने स्ट्रिंग को काट दिया, तो स्ट्रिंग को जैसे ही काटा तो एक्सेलरेशन बता दीजिए कि क्या चीज होगा,
एक्सेलरेशन बता दीजिए, इसका एक्सेलरेशन क्या चीज होगा जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग, हो गया ये पूछा जा सकता है। ये हम लोगों का इसी में घुमा देगा, हम लोगों का ऐसा कर देगा, यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया ऐसा आ गया यहाँ पे, और फिर एक ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग हो गया और फिर एक ब्लॉक हो गया। यहाँ मैं बना देता हूँ, ऐसा हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, एक ब्लॉक हो गया, फिर एक ब्लॉक हो गया, फिर एक स्ट्रिंग हो गया, फिर एक ब्लॉक हो गया, यहाँ से कट लगा दिया, क्लियर है। और यहाँ से कट लगाने के बाद हम लोगों का पहले तो टेंशन, नॉर्मल तो टेंशन हम लोग निकालेंगे, टेंशन निकालने के बाद हम लोगों का बोल दिया जैसे हम लोग कट लगा, जस्ट आफ्टर कटिंग व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एम टू एंड एम थ्री, ये हो गया अगर एम वन तो ये वाला मैं करवा दूंगा। ये आठवां कंडीशन, बस यही आठ तरह का कंडीशन का क्वेश्चन बनता है और इसी पे घुमा 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 के पूछा जाता है, बाकी मैंने आप लोगों को सारा कुछ करवा दिया। तो जो ये आठ क्वेश्चन है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी पूरी रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ टाइप का, डिफरेंट टाइप का। अब आता है आप लोगों का फ्रिक्शन, तो जब फ्रिक्शन का आएगा समय तो मैं फ्रिक्शन बताऊंगा, क्लियर है। तो इसी बार मैंने बना दिया, जिस स्पीड में बनाया उस स्पीड में आप लोग भी बना, नहीं बनता है कोई परेशानी होने का जरूरी नहीं है, छोड़ दो क्वेश्चन, नहीं बनता है आराम से छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फॉर्मूला याद कीजिए, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड कर जाइए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।